नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो कैसा चल रहा है आपका दिवाली का फेस्टिवल? दिवाली आने वाली है और दिवाली के साथ देखो खुशियां लेकर आया है T20 वर्ल्ड कप। 2022 का T20 वर्ल्ड कप दिवाली के फॉर्मेट में आया है और आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। तो आ गया T20 वर्ल्ड कप, जिसका आप लोग पूरे साल भर इंतजार करते हो। तो अगली साल जो था T20 वर्ल्ड कप, जो दुबई में खेला गया, और ये साल ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो भैया 2 सालों में 2 वर्ल्ड कप आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊंगा, ये वाला जो वर्ल्ड कप है आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको सुपर डुपर मैचेस देखने को मिलेंगे। और इतना और बोलता जा रहा हूं मैं आपको, एक बात और बोलूंगा आप लोगों से, ये वर्ल्ड कप दिवाली के टाइम है। तो भैया दिवाली और अपना पूरा साल डिसाइड कर लेना इस वर्ल्ड कप से। तो आपकी जो भी जितनी भी हसरतें पूरी करना है आपको, तो इस वर्ल्ड कप में कर लेना। जो भी ड्रीम है आपका, जो भी आगे और पीछे का लॉस चल रहा है, सारी चीजें इस वर्ल्ड कप में अपनी डायरी में, अपने फॉर्मेट में लिख लेना कि भाई मैंने जो गलतियां की थी, मेरी गलतियों की वजह से मेरे जो ड्रीम थे, मेरे सपने थे, सब मेरे सपने टूटे। तो ये वर्ल्ड कप में, 2022 के वर्ल्ड कप में आपके सारे सपने साकार होंगे, ये गारंटी ले रहा है आपका भाई। प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों से, और प्रॉमिस तोड़ूंगा नहीं आप लोगों का। तो काफी सुपर से भी ऊपर होने वाला है 2022 का वर्ल्ड कप। देखो पहला मैच तो देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के का होगा। तो देखो पहले ही मैच हो जाएंगे, बहुत से पहले मैच हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इससे पहले भी काफी मैचेस हैं और जो कि चल रहे हैं अभी। लेकिन भैया मैं उन मैचों को कवर नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो देखो 24 तारीख को वर्ल्ड कप चालू होगा, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से होगा। नहीं तो वर्ल्ड कप में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपको मैचेस मिल रहे हैं। देखो वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 22 तारीख को मिलेगा, इंग्लैंड अफगानिस्तान भी मिलेगा, और फिर इसके बाद सुपर डुपर धमाका, जिसका आप लोग साल दर साल इंतजार करते हो, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसको देखो पैसों के नजरिए से मत लेना, इसको मैच के नजरिए से मत लेना भैया, इसको इंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना। हार जीत भी मत देखना कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो हम लड़ाई लड़े आपस में। दिस इज ए गेम, तो गेम स्प्रिट वाला गेम होता है, गेम ऑफ स्प्रिट होता है। तो भैया इसको इंटरटेनमेंट करो, खुशियां दो, खुशियां बांटो, दिवाली का त्यौहार है। और अपना आगे पीछे का जो भी लॉस चल रहा है ना, उसको रिकवर करो। ये वर्ल्ड कप क्यों आया है, ये आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आया कि भैया ये वर्ल्ड कप है, इसको इंटरटेनमेंट करना है आपको, ये खुशियां लेकर आया है। जैसे कि IPL आता है तो आप लोगों के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं, तो सेम कंडीशन ऐसी है, ये वर्ल्ड कप भी खुशियां लेकर आया है। यहाँ मैचेस भी होंगे, आपका इंटरटेनमेंट भी होगा, आपका टाइम भी पास हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में काफी खालीपन होता है, हम क्या करें, वही घिसी पिटी मूवी देख लिया मोबाइल में, किससे बात करें, कहाँ जाएं। आज की दुनिया में आपको भी पता है, अगर किसी से हम बात भी कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो भी लोग बाग चूतिया समझते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए वर्ल्ड कप आया है, बढ़िया अपने TV खोल कर अपने घर पर बैठिए, इंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठिए, बढ़िया से अच्छे अच्छे मैचों का इंटरटेनमेंट करिए। जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो भी फॉर्मेट में मैचेस आएंगे, शेर से शेर लड़ेगा, कौन जीतेगा, शेर जीतेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मैचेस देखने का मजा ही कुछ होता है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में। अब टीमों का मैं हिसाब किताब अगर मैं बताऊं तो सारी टीमें अच्छी हैं, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दो टीमें मैं ऊपर नीचे वाली जो बता रहा हूं ना, ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये जो टॉप की जो मैंने 4 टीमें दी है ना, तो इसमें से ही कोई ना कोई एक वर्ल्ड कप जीतेगी। और जो नीचे की टीमें हैं, जैसे कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और भी टीमें हैं, अफगानिस्तान, और इसके बाद भी जो टीमें रहेंगी, वो देखो इस बार अपसेट नहीं करेंगी। जैसे कि एशिया कप में अपसेट हो गया था ना, श्रीलंका को जिता दिया था, ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। जितना होना था हो चुका, जो अच्छा होगा, जो रियल फैक्ट में खेलेगा, उसी को विनर बनाया जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, पूरे विश्व का वर्ल्ड कप है ये तो ना कि एशिया कप है, ना कोई टूर्नामेंट है। यहाँ फेयर तरीके से काम होंगे, हाँ चोरियाँ होंगी, ऊपर नीचे रेट में भी चोरियाँ की जाएंगी, मैच भी फिक्स कराए जाएंगे, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोच रहे हो।
करेंगे, लेकिन उस तरीके से करेंगे कि नंगा जुआ नहीं खिलाएंगे। तो देखो मैचेस बहुत हैं, मैचेस बहुत हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो आपने जितने भी लॉस है ना आपके आगे और पीछे के सारे एक डायरी लेना और लिख लेना कि मेरा आज तक इतना लॉस रहा है और मुझे इस लॉस का रिकवरी भी इसी आईपीएल में चाहिए, इसी सॉरी वर्ल्ड कप में चाहिए। अभी अगर इस फॉर्मेट में आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकते ना, तो भैया किसी भी फॉर्मेट में आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये आपका ड्रीम होना चाहिए, ये आपका सपना होना चाहिए, और इस सपने को आपको जीना है और इस सपने को आपको साकार भी करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बोर मत होना, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो कुछ बोल कर जाता हूँ उससे आपको सीखने को ही मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लॉस कट एंड बुक सेट नहीं आता था, जो कि लॉस कट एंड बुक सेट करके वो डेली का पैसा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरा वीडियो देख के, जो पहले करते थे अब वो नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हारते थे, अब मेरा वीडियो देखने के बाद बिजनेस की तरीके से प्ले करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में बोलता हूँ, समझाता हूँ, आप लोगों को अपना मानता हूँ, तो भैया इग्नोर मत करना, वीडियो को देखा करो। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये ऑलराउंडर फैमिली है और आप भी मेरा परिवार ही हो। और रात के देखो 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, उसका मोटिव ये नहीं है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच सके। और YouTube से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि YouTube मुझे कोई करोड़पति बनाएगा, यहाँ पे मैं YouTube से पैसा लेता हूँ, कुछ नहीं करता, सिंपल सा वीडियो अपलोड करता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँचे और उस बात को आप फॉलो करो, उससे आपका प्रॉफिट हो, सिर्फ यही मेरा मकसद है। तो ऑलराउंडर फैमिली का चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। देखो ये टेलीग्राम चैनल बहुत कुछ डिसाइड कर देगा आपके मैचेस, जो अपकमिंग मैचेस होंगे ना वर्ल्ड कप में। देखो कल भी वार्म अप मैचेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कल कितने मैचेस हैं। कल स्कॉटलैंड आयरलैंड का मैच खेला जाएगा 19 अक्टूबर 2022, जो कि 9:30 बजे होगा। फिर उसके बाद 1:30 बजे खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे। फिर उसके बाद 20 तारीख को खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेज नीदरलैंड का, नवाबीविया यूनाइटेड अरब। तो फिर देखो मैचेस, देखो वार्म अप के बाद अब जो अच्छे मैचेस आने वाले हैं और रियल फैक्ट वाले मैच आने वाले हैं, जो रियल वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी आने वाला है। और देखो धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा, और इसका नमूना आपने देख लिया होगा वार्म अप मैचेस। 7 पैसे देखो लग कर ऑस्ट्रेलिया हारी उस दिन, वार्म अप जरूर था लेकिन भैया मैच काफ़ी दमदार हुआ, और ये साबित कर दिया कि जो पर्थ स्टेडियम में हो या फिर मेलबोर्न में हो या कैनबेरा में हो, कहीं भी हो, काफ़ी अच्छे मैचेस होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर बनेगा, चेस भी होंगे, डिपेंड भी होंगे, एक ही फॉर्मेट में नहीं चलेगा। जैसे कि अगर दुबई में होता है ना, तो दुबई में ऐसा चलता चला जाता है कि अगर चेस होता है तो चेस ही होगा, अगर डिपेंड होता है तो डिपेंड भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो हारेगा, सिर्फ इतना से बोल रहा हूँ मैं बात। तो अभी भी बात मैं यही कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का देखो कारण ये है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तो अपकमिंग मैचेस जो भी आएंगे, जैसे कि मैच कल है, जैसे मान के चलो वार्म अप मैच है कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, मानो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कोई भी हो, और आप मेरे चैनल पर अगर ज्वाइन कर लिया आपने, और मैच के टाइम पे, मैच के 1 घंटे पहले या फिर मैच के 1 घंटे बाद मुझे कोई अपडेट ऊपर से मिली और मैंने वो अपडेट अपने चैनल पर डाली और बोला कि भाई इतने पैसे का रेट है या जैकपॉट मैच रखा है सामने, इसको खाओ या लगाओ, तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे, आप केवल टेलीग्राम यूट्यूब को ज्वाइन करके रखोगे, तो भाई मैं आपका आपकी मदद नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी तो फिर मैं मदद कैसे कर पाऊँगा। आपके टेलीग्राम ज्वाइन करने से मेरा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मेरा कुछ नहीं मिलेगा, इससे आपका ही प्रॉफिट है बस। लेकिन इतना ही है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सके, बस इतना ही है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो करंट में अपडेट आएगी ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी, और जो वीडियो जो बनाता हूं जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब पे वीडियो आएगा,
तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना बोल रहा हूँ, दो फॉर्मेट हैं, एक टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना, एक YouTube को करना। और रही मैच की बात, तो देखो मैच को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वर्ल्ड कप के बारे में, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, थोड़ा अपने दिमाग में रखना। देखो वार्म अप मैचेस हैं, तो वार्म अप मैचेस को वार्म अप की तरीके से प्ले करना है आपको, सिंगल लिमिट से प्ले किया करो, जो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं उनके साथ रहो। वार्म अप मैच है, किसी भी प्लेयर से कुछ भी करा सकते हैं, अगर जो प्लेयर प्लेइंग 11 में भी ना हो तो उसको भी बॉलिंग करा सकते हैं, उससे बैटिंग भी करा सकते हैं चेकआउट करने के लिए, क्योंकि वार्म अप मैच है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको पूरी की पूरी लिमिट यूज करना है। अच्छे मैचेस आने वाले हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन मैचों में देखो कलर भी आएगा, अच्छे मैचेस भी होंगे, तो इन मैचेस में काम कराएंगे हम आपको, चिंता मत करना आप। और रही बात वर्ल्ड कप की बात, तो वर्ल्ड कप में देखो चार टीमें मैंने सेलेक्ट की हैं। सबसे टॉप पर मैंने रखा है इंग्लैंड को, दूसरे नंबर पर रखा है ऑस्ट्रेलिया को, तीसरे नंबर पर रखा है इंडिया को, चौथे नंबर पर रखा है पाकिस्तान को, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये देखो कैमियो है। अगर चोरी चोरी छुपे छुपे अगर ऊपर आएगा नंबर दो पर, तो साउथ अफ्रीका आ सकती है, साउथ अफ्रीका को भी हल्के में मत आंकना। बस इतना ही बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका की टीम में जो कैप्टन है तेम्बा बमुमा, उसको अगर ड्रॉप कर दिया जाए और किलर मिलर को अगर कैप्टन बना दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है साउथ अफ्रीका के लिए। और दूसरी बात यह है कि अंडर एस्टिमेट मत कर देना ऑस्ट्रेलिया को, कि आप सोच रहे होगे कि इंग्लैंड से सीरीज थी तो ऑस्ट्रेलिया हार के आई, अभी वार्म अप मैच में भी इंडिया से हार कर आई। तो इन चीज़ों को अपने मन से अपने ख्याल निकाल देना, क्योंकि देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कभी भी लोमड़ी बनती, कब शेर बनती है आपको पता नहीं लगेगा, और इंग्लैंड वो शेर है। आपको दूर से ये लगेगा कि देखो जंगल पे शेर निकल रहा है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये शेर कब चूहा बन गया। तो कभी भी जोश मत दिखा देना इंग्लैंड के लिए। और अगर मैं बात करूं अपने पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान की बात ये है कि पाकिस्तान के पास है बॉलिंग, बॉलिंग में भी देखो पर्थ जैसे स्टेडियम, कैनबेरा जैसे स्टेडियम, मेलबोर्न जैसे स्टेडियम में पाकिस्तान की बॉलिंग इफेक्टेड होगी, लेकिन आप सोचो कि पिटाई ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी पहला था थोड़े दिन पहले इंग्लैंड ने वार्म अप मैच में, तो वार्म अप मैच में जब इंग्लैंड ने पहला, तो वहां पे एक्सपोज हो रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान में सिर्फ देखो दो तीन चार प्लेयर हैं जो कि टारगेट बड़ा दे देंगे, लेकिन सबसे मेन फैक्टर यही है कि अगर उनकी बॉलिंग जिस दिन चली तो वो मैच भी जीत जाएंगे। बॉलिंग काफी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है, बॉलिंग इंग्लैंड की भी अच्छी मानूंगा, और बॉलिंग के अगर फैक्टर में देखा जाए तो पाकिस्तान की भी मानूंगा। और बॉलिंग अगर वीक अगर दिख रही है मुझे, तो वो इंडिया की दिख रही है। इंडिया देखो टारगेट तो बड़ा रख देगी आकर, टारगेट की चिंता मत करना। जब जब इंडिया ओपन करके बैठे, ओपन कर अगर बैट ओपन करे, बैटिंग अगर लेती है, फर्स्ट बैटिंग लेती है, तो इंडिया प्लस कर लेना किसी भी भाव में। अगर 90-95 पैसे का भी है या फिर दूसरी टीम फेवरेट है तो खा लेना, क्योंकि वहां से टीम इंडिया आपको अंडर 40 पैसे, अंडर 30 पैसे सेकंड इनिंग में देकर जाएगी। लेकिन फिर वहां से क्रिकेट घूमेगा, मैच घूमेगा, और फिर वो इंडिया जो फेवरेट था, दूसरी टीम भी फेवरेट नजर आएगी, और हो सकता है जीत भी जाए, क्योंकि इंडिया 180, 190, 200 का टारगेट बनाएगी हमेशा, लेकिन उसमें से तीन मैचों में से दो मैच हारेगी भी, चेस भी करा देगी। क्योंकि देखो भुवनेश्वर कुमार के पास स्पीड नहीं है, और स्पीड जरूरत होती है ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड में, स्पीड चाहिए, फास्ट बॉलिंग, काफ़ी टाइट बॉलिंग, जो कि भुवनेश्वर कुमार के पास इतनी स्पीड नहीं है। और रही बात हर्षल पटेल के पास वेरिएशन बहुत हैं, लेकिन वेरिएशन के साथ वो स्पीड नज़र नहीं आ रही उनके पास, तो हर्षल पटेल भी पिट सकते हैं। और तीसरा अगर फैक्टर लेता हूँ ऑलराउंडर में, अगर लेता हूँ हार्दिक पांड्या के ऊपर, तो हार्दिक पांड्या को टोटली फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी इंडिया स्ट्रांग पोजीशन पर नजर आती हुई दिखेगी। देखो केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव, चार जो बैट्समैन हैं काफी टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन भैया वही चीजें होती हैं कि उसमें से चार अच्छा करते हैं, तीन बेकार कर देते हैं, तो टीम गिर जाती है। चार अच्छा कर रहे हैं, अगर चार में से दो ने भी अच्छा कर दिया, तो पांच लोगों ने अच्छा किया, तो टीम जीत जाएगी, बैलेंस बन जाएगी। और इंग्लैंड की मैं बात बताऊं, तो देखो बेन स्टोक फॉर्म में आ चुका है, और बेन स्टोक इस वर्ल्ड कप में अच्छा करता हुआ नजर भी आएगा आपको। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात बताऊं आपको, एरोन फिंच भी काफी अच्छी टच में है, एरोन फिंच, मिचेल मार्श और डेविड बर्नर,
ये ऑस्ट्रेलिया के एक तरीके से आप कुछ भी समझ लेना, उंगली समझो, कंधा समझो, हाथ पैर समझो, कुछ भी समझो, ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, लेकिन ये चीजें देखो अभी मायने ज्यादा नहीं रखती हैं, जब मैच उस टाइम पे खिल रहा होगा, चल रहा होगा, करंट में आप टीवी के सामने बैठे होंगे, आपके फोन में जो रेट चल रहा होगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी इस चैनल की। जब आपको डर लगा होगा, जब आपकी टीम हार रही होगी आपकी आंखों के सामने, आप सोच रहे होगे कि भाई ये टीम दी थी ऑलराउंडर ने, इस टीम के तो लौड़े लगे हुए हैं, कैसे जीतेगी। फिर वहां से जो भी मैं अपडेट कर दूंगा, मेरी आवाज के साथ आपको चलना है। हार से पहले मैं हार नहीं मानता, ये आपको भी पता है, जब तक मैच खत्म ना हो जाए। और मैच जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं मानता ही नहीं हूं कि मैं हार गया हूं। सिर्फ इतना बोलूंगा, जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ऐसा है कि कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं कि आप खुद बोलोगे कि यार यार कितना चूतिया इंसान है, यहां से मैच कैसे जीतेगी टीम इंडिया या कैसे जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। और वहीं से अगर मैंने बोला कि ऐसा ही होगा तो होगा, और कई बार किया है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो कोई भी लीग हो, हर बार किया है मैंने। मौके का इंतजार करना, ऐसे ही मैचेस करा कर जाऊंगा कि आपको 10 मैच, 5 मैच, पूरा एक सीजन खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही मैच में आ जाएगा। आपकी कौड़ी, कौड़ियों की लिमिट से आपको एक बड़ी लिमिट बना कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपका काम है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं वीडियो में, और उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाइयों का देखो वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा हो, और उनके घर में खुशियाँ हैं, और जो भी आगे पीछे का लॉस है वो रिकवर हो, और जो दलदल में फंस चुके हैं वो निकलें इस दलदल से। क्योंकि इस दलदल में ना तो देखो किसी के राजमहल बने हैं, ना वो कभी बन पाएंगे। इसका एक ही फैक्टर है, अगर इसको बिजनेस के तरीके से खेलते चलोगे तो जीतते रहोगे, जुए के तरीके से खेलोगे, एक दिन में महल बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए मर जाओगे, हार जाओगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि इसको अवॉइड करो, जो चीज़ों में फंसे हो उससे निकलो, लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसको जियो, उसको इन चीज़ों में वेस्ट मत करो। बस इतना ही बोलूँगा लास्ट में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखना, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलता हूँ, आपका भाई ऑलराउंडर।